नमस्कार मैं हरिशंकर प्रशिक्षण सहयोगी हिंदी आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मैसूर से आप तमाम विद्यार्थियों और दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज मैं आठवीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक दूरवा भाग तीन में संकलित एक सुंदर कविता लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं विद्यार्थियों हमारे देश में कई तरह के मौसम होते हैं हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग पसंद है और इसके अलग अलग कारण भी किसी को सर्दी का मौसम अच्छा लगता है किसी को गर्मी का मौसम तो किसी को बरसात का मौसम चलो मैं तुम्हें एक छोटी सी सुंदर कविता सुनाता हूँ जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि आज हम कौन सी विशेष कविता पढ़ने वाले हैं रिमझिम रिमझिम बारिश है आई काली घटा फिर है छाई सड़कों पर बह उठा पानी कागज़ की है नाव चलानी नुन्नु मुन्नु चुन्नू आए रंग बिरंगे छाते लाए इस कविता को सुनकर आप समझ गए होंगे कि आज हम किस विशेष कविता के बारे में पढ़ने वाले हैं बिल्कुल सही सोचा है आपने बारिश का मौसम आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है आषाढ़ का पहला दिन और इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र आप इस कार्यक्रम के अंत में कवि और उनकी रचनाओं से परिचित होंगे कविता का आदर्श वाचन कर समझने और निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर सकेंगे कविता के भाव और शिल्प का रसासवादन कर अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे प्रकृति परिवर्तन का आस्वादन कर अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे कविता में आए कठिन शब्द से परिचित होकर उनका प्रयोग कर सकेंगे अपने अनुभव के आधार पर सृजन का प्रयास करेंगे चलो पहले भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें कवि भवानी प्रसाद मिश्र जन्म 29 मार्च 1913, मृत्यु 20 फरवरी उन्नीस भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं गांधीवाद के विचार को साथ लेकर चलती हैं भवानी बाबू का यकीन हालात कैसे भी हों हमेशा जूझते और लिखते रहने में था आखिर उन्होंने यूं ही तो नहीं कहा होगा कि कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से कुछ बढ़ के सो मिश्र जी की कविताओं को पढ़कर ऐसा लगता है उनका जीवन प्रकृति के काफ़ी करीब है मिश्र जी की कविताओं का प्रमुख गुण कथन की सादगी है बहुत हल्के फुल्के ढंग से भी बहुत गहरी बात कह देते हैं भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सौंदर्य बोध ही नहीं कराती उनके कथा काव्य में जनमानस की पीड़ाओं को भी रेखांकित करती है उन्होंने बुनी हुई रस्सी खुशबू के शिलालेख गीत फरोश चकित है दुख अंधेरी कविताएं गांधी पंचशती जैसी बेहतरीन रचनाएं लिखी हैं कविता संग्रह बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी से सम्मानित किए गए आइए अब हम कविता का आदर्श वाचन करते हैं पाठ बारवा आषाढ़ का पहला दिन हवा का जोर वर्षा की झड़ी झाड़ों का गिर पड़ना कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना ध्वजा की तरह बिजली की दिशाओं में फहर उठना ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलदर अधिक आता है कालीदास से मन में तो मुझको क्षमा कर देना भवानी प्रसाद मिश्र आपने इस कविता के दौरान कुछ नए शब्दों पर गौर किया होगा तो आइए इन शब्दों के सामान्य अर्थ और वाक्य प्रयोग को जानते हैं पहला शब्द जोर अर्थात तेज अंग्रेजी में स्पीड वाक्य प्रयोग होगा हवा के जोर से पेड़ उखड़ कर गिरने लगे दूसरा शब्द झड़ी अर्थात लगातार अंग्रेजी में कंटिन्यूस लाइट श्योर इसका वाक्य प्रयोग हो सकता है विदाई के समय लड़की ने पिता के गले लगकर आंसुओं की झड़ी लगा दी तीसरा शब्द झाड़ अर्थात कंटीले पौधों का समूह अंग्रेजी में थॉनी बुशेस वाक्य प्रयोग हो सकता है बगीचे की देखभाल ठीक से न होने के कारण फूलों से अधिक झाड़ उगाए थे चौथा शब्द गर्जन अर्थात बादलों की गड़गड़ाहट अंग्रेजी में थंडर वाक्य प्रयोग बादल गरज कर चले गए पर एक बूंद भी जल न बरसा पांचवा शब्द ध्वजा अर्थात झंडा अंग्रेजी में फ्लैग वाक्य प्रयोग पंद्रह अगस्त को हम स्कूलों में ध्वजा फहराते हैं छठा शब्द टकना अर्थात देखना अंग्रेजी में टू स्टेयर वाक्य प्रयोग होगा लॉकडाउन के कारण बच्चे उदास होकर खिड़कियों से ताक रहे थे सातवां शब्द कजरारे अर्थात काजल जैसे काले अंग्रेजी में जेट ब्लैक वाक्य प्रयोग होगा उसके कजरारे बालों को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे आठवां शब्द तिल मिलाना अर्थात बेचैन होना अंग्रेजी में अपसेट वाक्य प्रयोग होगा सोए हुए व्यक्ति के मुंह में पानी के छींटों के पड़ते ही वह तिल मिलाकर उठ बैठा आइए अब हम कविता की व्याख्या करते हैं पहली चार पंक्तियों पर गौर कीजिए हवा का जोर वर्षा की झड़ी झाड़ों का गिर पड़ना कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में लहर उठना बच्चों आषाढ़ हिंदी कैलेंडर का एक महीना होता है और इस महीने के आसपास मानसून की शुरुआत होती है जब मानसून आता है तो हवा जोरों से चलती है जिससे झाड़ झंकार गिर जाते हैं बादल ऐसे गरजते हैं जैसे आपके सिर के ऊपर ही गर्जना कर रहे हों नदियाँ अपने उफान पर होती हैं कभी कभी तो वे खेत के कलेजे तक चढ़ जाती हैं अर्थात खेत पानी से भर जाते हैं चारों दिशाओं में बिजली ऐसे चमकती है जैसे ध्वजाएँ लहराती हूँ अगली चार पंक्तियाँ देखिए ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है वह एक व्यक्ति जिसे वर्षा के ये अनोखे दृश्य प्राणों से भी प्यारे लगते हैं वो है किसान किसान किसी चातक पक्षी की तरह टकटकी लगाए बादलों का इंतज़ार करता है वो खुद भूखा रहकर भी खेत में जीतोड़ मेहनत करता है उसकी मेहनत के कारण ही खेतों से अनाज निकलता है और दुनिया के लोगों को भोजन मिलता है यदि समय पर बारिश नहीं आती है तो किसान को सबसे ज़्यादा बेचैनी होती है अब अंतिम तीन पंक्तियाँ देखिए अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलदर अधिक आता है कालिदास से मन में तो मुझको क्षमा कर देना भवानी प्रसाद मिश्र इन पंक्तियों में कवि क्षमा मांगते हुए लिखता है कि आज इस वर्षा के अवसर पर उसे कालिदास नहीं बल्कि किसान याद आता है प्रसिद्ध कवि कालिदास रचित मेघदूत एक प्रसिद्ध रचना है इसमें विरही यक्ष अपनी प्रेमिका को मेघ के द्वारा संदेश भेजता है इस रचना की प्रसिद्धि के कारण साहित्य में मेघों की चर्चा होने पर कालीदास का ध्यान आना स्वाभाविक है आइए अब हम कविता की शैली पर चर्चा करते हैं कविता की भाषा अत्यंत सरल व सहज व खड़ी बोली हिंदी है प्रत्येक पंक्ति में तुकांत के आ जाने से इसकी सुंदरता और भी बढ़ गई है जैसे पढ़ना उठना प्यारे कजरारे खिलाता है तिलमिलाता है आदि कविता में सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है अनुप्रास अलंकार जैसे अगर आषाढ़ आता चातक की तरह तकता है में उपमा अलंकार है चातक पक्षी से तुलना की गई है एवं खेती की छाती तक कहकर कवि ने मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया है कवि ने स्थापित करने की कोशिश की है कि बादल और वर्षा ही किसानों के प्राणों का आधार है और वही किसान निस्वार्थ रूप से दूसरों के लिए अन्न उपजाता है प्यारे विद्यार्थियों अब हम इस पाठ में प्रयुक्त कुछ व्याकरणिक बिंदु पर प्रकाश डालते हैं आपको पता होगा कि वाक्य में जिस शब्द या पद से किसी कार्य के होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं और कर्म के आधार पर जैसे क्रिया के दो भेद होते हैं सकर्मक अकर्मक वैसे ही संरचना के आधार पर क्रिया का एक भेद है प्रेरणात्मक क्रिया क्रिया का वह रूप जिससे कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं बच्चों आपने देखा कि किसान खुद काम करता है और दूसरों को खिलाता है खिलाता है प्रेरणात्मक क्रिया है जो दूसरों को प्रेरणा देकर किया जाता है इस प्रकार से प्रेरणात्मक क्रिया के दो रूप होते हैं प्रथम और द्वितीय प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया बनाने के लिए मूल धातु के साथ आना लाना प्रत्यय जोड़ते हैं जबकि द्वितीय प्रेरणात्मक क्रिया बनाने के लिए मूल धातु के साथ वाना प्रत्यय जोड़ते हैं कुछ उदाहरण पाठ से देखिए उठना उठाना उठवाना वह पत्थर उठाता है वह बच्चों से पत्थर उठवाता है पढ़ना से पढ़ाना पढ़वाना वह बच्चों को पढ़ाता है वह मॉनिटर से कहकर बच्चों को पढ़वाता है करना से कराना करवाना वह काम कराता है वह माँ से कहकर नौकर से काम करवाता है प्रिय विद्यार्थियों आशा करते हैं कि आपको ये कविता पसंद आई होगी हमने आपके लिए कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं पहला प्रश्न ऋतुओं के संबंध में जानकारी इकट्ठा करो और अपने अनुभव से बताओ कि वर्षा ऋतु से पहले तुम क्या क्या तैयारियां करते हो दूसरा प्रश्न कक्षा में पहला दिन अपने अनुभव के आधार पर दस पंक्तियां लिख कर दिखाइए अथवा पहला दिन विषय पर एक कविता लिखने का प्रयास कीजिए तीसरा प्रश्न अपने प्रदेश के किसी मातृभाषा कवि की किसी सुंदर कविता का जो आपको पसंद हो अनुवाद करके दिखाइए आज के कार्यक्रम में हमने सीखा कवि भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में जानकारी प्राप्त की कविता वाचन कर उसके प्रतिपाद्य को निकाल सके कविता में आए नए शब्दों के अर्थ और प्रयोग को जान सके कविता के शिल्प सौंदर्य को पहचान सके आज के कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ तब तक सामाजिक दूरी मास्क एवं सफाई का ध्यान रखें सुरक्षित रहें धन्यवाद